2024 जिसमें इंडिया महागठबंधन गठबंधन के साथ साथ तमाम पार्टी है और इसमें जो पार्टी है आम आदमी पार्टी भी इनके साथ प्रचार में सभी तरीका से प्रचार के साथ सहयोग कर रही है। और इसी विषय में अभिषेक कुमार जी हैं महानगर अध्यक्ष पूर्वी सिंहभूम। इसी में बात करते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आने वाले हैं, इसके लिए आप और आपकी पूरी टीम क्या क्या तैयारी की है शहर में? देखिए, सबसे पहले तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह जी और संजय सिंह जी तीनों हमारे शहर में जमशेदपुर में आ रहे हैं। उनकी तैयारी के लिए फिलहाल तो एक वाहन ये चल रही है जो प्रचार गाड़ी है प्रचार प्रसार में, उसमें सरदार अमरीक सिंह जख्मी जी हमारे बैठे हुए हैं और ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं पूरे सिटी में, अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, श्री भगवंत मान सिंह जी और संजय सिंह जी 21 मई 2024 दोपहर 12:30 या 1 बजे तक आ जाएंगे वो लोग, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जमशेदपुर के लोग, जमशेदपुर के बाहर के भी लोग जो सुन पा रहे हैं वो वहाँ पे शामिल हों, उनका स्पीच, उनका सोच जो है, अपना सोच व्यक्त करेंगे वो आप लोग सुने और उनकी उनको समर्थन करें, इंडिया गठबंधन को समर्थन करें। और हमारे प्रत्याशी हैं जो समीर मोहंती जी, इनको इनकी भारी वोटों से इनकी विजय इनको विजयी कराएं। तो आपके झारखंड प्रदेश से और कौन कौन आ रहे हैं जो झारखंड में आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंपेनिंग करते हैं, डोर टू डोर अपनी बात पहुंचाते हैं, तो झारखंड प्रदेश से कौन कौन आ रहे हैं? सरायकेला से जहां तक मुझे उम्मीद है कि कल्पना मैडम आ रही है, कल्पना सोरेन जी आ रही हैं, मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी आने वाले हैं और साथ ही साथ में और भी लोग आएंगे। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो मैं नहीं बता सकता लेकिन आने वाले काफ़ी लोग आने वाले हैं। कितना लोगों का डूम और पंडाल बनाया गया है? हमें लग रहा है कि लगभग 10 लाख लोग वहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं, जो लंबा लेंथ है और जो लंबाई चौड़ाई है पंडाल की, 10 लाख लोग आराम से आ जाएंगे। आपकी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ साथ में रहकर चुनाव प्रचार कर रही है और चुनाव में है जो आमने सामने एनडीए के साथ आपकी मुकाबला है, तो इस बार का जो चुनाव में क्या क्या मुद्दा है आपके इंडिया गठबंधन की पार्टी की तरफ? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि भारत की पूरी जनता जो त्राह माम, एक शब्द है वो त्राह माम हो चुका है, लोग व्याकुल हो चुके हैं। चाहे गरीबी की बात ले लीजिए, गरीबी अपनी चरम सीमा पे है, महंगाई की बात कर लीजिए, महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोज़गारी है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, लोगों का पलायन होने लगा है, साथ ही साथ में हमारा जो जीडीपी बोलिए जीडीपी नीचे गिरते जा रहा है, देश का इकोनॉमी नीचे गिरते जा रहा है, साथ ही साथ में देश का जो गरीब किसान है जिनको मोदी जी ने बोला था कि जिनकी आय दुगनी करेंगे, वो जो किसान कड़ी धूप में मेहनत करके ज़मीन का सीना चीर करके अनाज उगाता है, जो अनाज हम सभी खाते हैं, उसी किसान को लाख रुपए कर्ज होने की वजह से आत्महत्या करना पड़ता है, तो सोचने का विषय है कि मतलब हमारे देश में क्या चल रहा है। लोकतंत्र भी हमारे लगभग खतरे में है, हमारा जो संविधान है, संविधान को भी बार बार उसको अमेंडमेंट किया जा रहा है, उसमें चेंज किया जा रहा है, तो सबको बचाने के लिए मतलब एक पूरी सारा जितनी पार्टियां हैं सब एक साथ हुई है और हमें उम्मीद है कि इस बार हम बहुमत से जीतने वाले हैं। आप अपने से टेम्पो में घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, यह डेडिकेट, यह आपका मेहनत और सबसे बड़ा चीज़ कि इतना अच्छा ईमानदारी कैसे करके अपनाते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से? क्यों आपने आम आदमी पार्टी के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी के लिए हम लोग इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भारतवर्ष में, मेरे को लग रहा कि जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी है, उनके जितना सुलझा व्यक्ति, उनके जितना शरीफ और पढ़ा लिखा विद्वान आदमी कोई नहीं है, उनको देख के हम लोग, या मैं कह लीजिए, हम लोग काफ़ी प्रभावित हैं और उन्हीं को मैं टारगेट लेके आम आदमी पार्टी के विचारों को, उसकी विचारधारा को टारगेट लेके मैं समर्पित हूँ। काका, आपका पूरा कैंपेनिंग हो चुका है, आप अपने से लॉन्च कर रहे हैं, कौन कौन एरिया में आपने कर चुके हैं? अभी साक्षी, कांचडी, बाराद्वारी, गली गली में घुस के
बारादवारी में घुस के साक्षी बाजार, बसंटा गीज, कांसडी मोड़, गनगोर के पास और रिफ्यूजी कॉलोनी, और उसके बाद यहाँ आए। चार दिनों से प्रचार गाड़ी चल रही है, तो चार दिनों से लगभग पूर्वी और पश्चिमी इलाका कवर कर रही है। इस बार परिवर्तन की लहर है क्या, क्योंकि आप अपने पार्टी से सब समझ के नहीं बोल रहे, क्या जनता के बीच आपने काम किया, ऐसा लग रहा है कि परिवर्तन की लहर है? देखिए, जनता की ही बात कर रहा हूँ, पार्टी की पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। किस पार्टी में हूँ, क्या मेरा विचारधारा है, क्या मेरी पार्टी सोचती है, उससे दूर हटके मैं जनता के बीच में घुस करके अगर सोचता हूँ, तो जनता बन करके मैं सोचता हूँ या जनता की सोच बता रहा हूँ, तो पूरी की पूरी जनता परिवर्तन करने के मूड में है। अभी बहुत बड़ी घटना हुआ है दिल्ली में, उनके जो पीए हैं अरविंद केजरीवाल को, उनको पुलिस अरेस्ट कर लिया है। क्या ये आम आदमी पार्टी किधर जा रही है, क्या ऐसा क्यों ऐसा हो रहा कि महिला के साथ उनके? देखिए, अगर महिला के साथ अभद्र व्यवहार होता है, चाहे वो हमारी पार्टी के लोग हो या किसी की पार्टी के लोग हों, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो नहीं, अगर दोषी नहीं पाए जाते हैं, तो उनको कोर्ट या फिर पुलिस छोड़ देगी, है ना। और जहाँ तक ये बात है कि हम अपोजिशन पार्टी इस बात को मुद्दा बना करके सामने आ रही है, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि जब इसी देश में मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया गया, नंगा परेड कराया गया, तब इनकी जुबान पे ताला लगा हुआ था, ये नहीं बोल पा रहे थे। आज छोटा सा मैटर हुआ है, उसको लेकर के बढ़ा चढ़ा करके लोग बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि देखिए, हमारे देश में संविधान है, पुलिस है, कोर्ट है, सब कुछ है। अगर कोई गलत होता है, चाहे वो मैं भी हूँ, क्यों ना हूँ, तो हमें सज़ा मिलना चाहिए, ये मेरा सोचना है। फिर आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि जो 21 तारीख को रिगल मैदान में जो जिसमें दो दो मुख्यमंत्री आने वाले, दिल्ली के, पंजाब के, क्या अनुरोध करना चाहते हैं तमाम पूर्वी सिंहभूम और तमाम झारखंड की जनता को उस दिन? मैं तमाम झारखंड की जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 21 मई 2024 सुबह 11 बजे आप लोग रीगल मैदान जमशेदपुर बिष्टोपुर में भारी संख्या में आप पहुँचे। ये आप भारी संख्या में पहुँचेंगे तो हमारे जो भी लीडर आ रहे हैं उनको समर्थन मिलेगा, उनका हौसला बढ़ेगा, साथ साथ में आप लोगों का भी हौसला बढ़ेगा। और ये हमारी अकेले की हमारी लड़ाई नहीं, आप सभी की लड़ाई है, ये लोकतंत्र की बचाने की लड़ाई है, ये संविधान बचाने की लड़ाई है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारा साथ दें। क्या मीडिया से 1-to-1 कराया जाएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट किया जा रहा है? हाँ, रिक्वेस्ट किया जाए, हम लोग तो रेडी हैं, हमारे पास तो तमाम मुद्दे हैं, हम तमाम चीज़ें हैं जो हम सामने रखने के लिए को या मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप इंडिया गठबंधन के एक एक लीडर से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करा सकते हैं, बैठा सकते हैं, बात कर सकते हैं। वो सारे जितने वेल नॉलेज हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, देश को ऊंचाई की तरफ ले जाना चाहते हैं। लेकिन आप मोदी जी से तो बात कर लीजिए एक बार, मोदी जी के कभी एक बार राय ले लीजिए कि तमाम जो शासन में है, जो शासन का हेड है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से बचता है, वो लोगों के सामने आने से बचता है, क्या रीजन हो सकता है? अगर हम प्रतिनिधित्व बनाकर किसी को, पूरा देश प्रतिनिधि बना करके किसी जगह पे बैठाया है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे देश को जवाब देने की। अपने मन की बात कहने से अच्छा है कि दूसरों की मन की बात सुने, अपने देश की मन की बात सुने। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री आ रहे हैं इस मंच में, हमें लगता है कि झारखंड का चुनावी माहौल या जमशेदपुर लोकसभा चुनावी माहौल पूरी तरह गर्मा जाएगा, और इसका जो स्पीच होगा, भाषण होगा, वह वोटर पर ज़रूर असर करेगा। लेकिन वह तो समय बताएगा, लेकिन यह जो समय है जिसमें पूरी तरह केंद्रीय लीडर आकर जमशेदपुर में अपनी बात रखेंगे, कोशिश करेंगे कि अगर एडी लाइफ को वहाँ इंटर करने को और वीडियो अगर ठीक से बनाने का मौका मिला, तो वह भी भाषण और वीडियो आपको ज़रूर दिखाया जाएगा। एडी लाइफ को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइफ को पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।